उद्योगपति राहुल बजाज के देश में भय का माहौल और लोग सरकार की आलोचना करने से डर रहे वाले बयान पर अब कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी जवाब देकर राहुल बजाज पर हमला बोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सवाल और आलोचनाओं को सुना जाता है और उनका जवाब भी दिया जाता है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के सामने उद्योगपति राहुल बजाज की तरफ से देश में भय का माहौल और लोग सरकार की आलोचना करने से डर रहे वाले बयान पर अब कई केंद्रीय मंत्रियों ने ट्विटर के जरिए अपना जवाब देकर आपत्ति दर्ज कराते हुए राहुल बजाज पर हमला बोला है। कार्यक्रम में मौजूद रही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट कर कहा कि राहुल बजाज ने जिन मुद्दों को उठाया उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, साथ ही कहा कि सवाल और आलोचनाओं को सुना जाता है और उनका जवाब भी दिया जाता है। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि हमेशा अपने विचार का प्रचार करने की बजाय जवाब पाने का बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए और ऐसे विचार के प्रचार से राष्ट्रीय हितों को नुकसान होता है। वहीं उसी कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को देखिए कैसे उन्होंने राहुल बजाज के दावों का जवाब दिया, साथ ही कहा कि राहुल बजाज का सवाल सुनने के बाद उन्हें शक है कि कोई भी उनके लोगों के डरे होने के दावे पर भरोसा करेगा। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि राहुल बजाज ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने खुलकर अपनी बात रखी और दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्य भारत में अभी भी जिंदा है और यही लोकतंत्र है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल बजाज को जवाब दे दिया था। अपने जवाब में अमित शाह ने कहा था कि किसी को भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई डराना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।